मेरी बच्ची अजमेर दरगाह में हम लोग हाजिरी में थे, वहाँ पे अफ्तारी के बाद में मेरी बच्ची लापता है। कितने बजे की बात है? ये शाम को 7 बजे, 7:07 पर फुटेज में आया था, 7:07 में फुटेज में देखा गया कि बाहर लेके गए मेरी बच्ची को। कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं फिलहाल बुलंदशहर खुर्जा से। क्या नाम है? मेरे बच्चे का जिया नाम है। अजमेर ही रहने हैं आप? जी, मैं 1.5 महीने से अजमेर में हूँ। क्या लग रहा है आपको? शक है किसी पे? कोई लेके गया सर? मुझे तो नहीं पता, लेकिन क्या कहते हैं, मेरे को ना जब से मैं अजमेर आई थी तब से धमकियाँ आ रही थी, बहुत बार धमकियाँ आ रही थी। रात रात को 10-10 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 3 बजे अलग अलग नंबरों से फ़ोन आ रहे थे मुझे, है ना, कि तुम जहाँ हो जैसे हो वैसे ही करो, अगर तुमको ज़रूरत हो तो हमारे पास आ जाओ। मेरे पति के दोस्त लोग मुझे फ़ोन कर करके गंदे गंदे बोलते थे। जब मैंने रिकॉर्ड करने के लिए कोशिश की तो मेरे छोटा सा फ़ोन है, मेरे पास ये फ़ोन है छोटा सा, इसमें मैंने सिम वो डालने की चिप डालने की कोशिश की तो मेरे चिप भी ख़राब हो गई, इसमें से सारे नंबर उड़ गए, जो रिकॉर्डिंग थी वो सब ख़त्म हो गई। कौन है आपके पति? तो मेरे पति का प्रवीण अग्रवाल नाम है। वही करवा रहे हैं आप उनको? मुझे तो लगता है क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड है अंजलि, अंजलि नाम है, उसने मुझसे कहा था कि आप हमें हमारे बच्चे दे, वो छोटी वाली बच्ची मुझे दे दो। मेरे पति ने भी छोटी वाली बच्ची की मांग की थी, तो मैंने कहा था मैं बच्चा अपना नहीं दूंगी, जब तुमने दूसरा तुमको चाहिए तो तुम दूसरी औरत कर रख लो और दूसरा बच्चा पैदा कर लो। मुझे तो पता नहीं पति पे ये कि किसी पर नहीं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं, मैं किसी पर झूठा। आशा अग्रवाल नाम है मेरा। हाँ, कल रात में हमारे पास में सूचना आई थी कि एक बच्ची है जिसको कि कोई व्यक्ति दरगाह क्षेत्र में से कहीं ले गया। परिजनों को पता नहीं था कि पूरा प्रकरण क्या है, हमने पूरा रात में ही लग करके सभी टीम ने फुटेज देख करके पता किया, एक व्यक्ति है जो बच्ची को ले जा रहा है और उस पूरी प्रोसेस में बच्ची का कोई विरोध नहीं है। हमें ये भी संभावना है कि कोई जान पहचान का व्यक्ति है जो बच्ची को लेके जा रहा है। रात में ही टीम ने ट्रैक किया है इसके डायरेक्शन, जिधर वो जा रहा है, और काफ़ी दूर तक हमने उसे ट्रैक किया है। इसके अलावा हमारे जानकारी में ये बातें भी आई हैं कि महिला का कहना है कि उसके पति का किसी अन्य महिला से कोई संबंध है, वो लोग भी ये करा सकते हैं इस बच्ची के लिए। और भी एंगल्स पर हम देख रहे हैं, हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची जल्दी से मिल जाए।